नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ सुराग भटोरी के सफर पर। जैसा कि आपने मेरे कुछ पहले वीडियोस में देखा होगा, हम निकले हुए थे इंडिया की सबसे खतरनाक रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि सच पास और किल्लर किश्तवाड़ की रूट्स मानी जाती हैं। उसी रास्ते में, क्योंकि ये पांगी वैली पड़ता है, पांगी वैली में बहुत सारे खूबसूरत गांव हैं, तो हमने सोचा थोड़ा रुक कर क्यों ना एक छोटे से गांव को एक्सप्लोर किया जाए। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं और देखते हैं कैसा है हमारा सुरूर भटोरी गांव। किल्लर से लगभग 3 किलोमीटर किश्तवाड़ जाने के बाद आपको दाएं तरफ एक मोड़ मिलेगा सुराल भटोरी के लिए, और मोड़ लेते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि अचानक से सारे लैंडस्केप चेंज हो गए। चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी, पहाड़ की चोटियों से नीचे आती हुई बर्फ थी और वैली के बीच से बहता हुआ पानी था। कौन कहता है कि स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करो, अरे मैं कहता हूँ पहले अपने थोड़े भारत को तो देखो, इसमें कई सारे स्विट्जरलैंड आपको मिलेंगे। जैसा कि मेरे पुराने वीडियोस में भी था, तो ये सफर मैं तय कर रहा हूँ अपनी इनोवा हाई क्रॉस में, और इस समय हम पहुंच चुके हैं सुराल भटोरी। तो चलिए अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और चलते हैं अब यहाँ के वाटरफॉल के ट्रैक पर। सुराल भटोरी में ये भटोरी शब्द का क्या मीनिंग है? जो ये भटोरी शब्द है, ये भोटिया शब्द से लिया गया है, जो कि बुद्धिस्ट लोगों को बोला जाता है। सो यहाँ पर कॉमनली जो आपको लोग मिलेंगे वो बौद्ध कल्चर को मानते हैं, और यहाँ पर आपको बौद्ध कल्चर के काफी अच्छे दर्शन होंगे। हमें यहाँ पर जो भी लोग मिले वो हमें काफी बिजी दिखे, या तो फिर खेती में, या फिर वो अपने मवेशियों को चरा रहे थे, या फिर यहाँ पर जो सड़क का या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें वो लोग बिजी थे। ये क्या है, आलू है? ये आलू है। और ये? हाँ जी, ये मटर है, ये आलू, ये मटर। और क्या होता है ऊपर? वो होता है कनक। कनक गाँव ये। अच्छा, आटा वगैरह बना। आटा आटा। ये पहाड़ कौन सा आगे? ये शिव शंकर धार है। शिव शंकर धार। धार, अच्छा। टमाटर का? नहीं, आलू 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 है भाई। टमाटर आलू आलू और ये मूली बीच में। झरने तक का ये रास्ता एक इजी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आप खेतों के बीच से गुजरेंगे, पानी आपके साथ साथ चलेगा, और अचानक आपको पहाड़ के पीछे से छुपके से देखता हुआ ये खूबसूरत झरना मिलेगा, जिसे कहते हैं छावी वाटरफॉल या पैरालाम वाटरफॉल या झरना।
झरने के सिवा सुराल भटोरी में एक बहुत खूबसूरत कैंपिंग ग्राउंड और मॉनेस्ट्री भी है। एक घंटे इस झरने के कलकल की आवाज के बीच में आराम करने के बाद अब समय हो चुका था किश्तवाड़ की तरफ निकलने का और खुद से ये वादा करने का कि मैं जरूर वापस आऊंगा पांगी वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ सुराल भटोरी के सिवा चार और गांव उड़ान, चसक, परमार और हियुतवान भी हैं। आई होप आप सबने मेरे साथ इस सफर को खूब एंजॉय किया होगा। मिलेंगे जल्दी ही एक नए सफर पर। अभी के लिए वीडियो पे लाइक और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।